हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपट्री टेक्नोलॉजीज। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे टीवी रिमोट कंट्रोल होम ऑटोमेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टिंकरकैड ओपन करेंगे। यह हमारा टिंकरकैड का टेक्स्ट बोर्ड है और हमने यहाँ प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया है। अब हम कंपोनेंट सर्च करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे आर्डिनो, आर्डिनो को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। इसके बाद हम सर्च करेंगे आईआर सेंसर, आईआर स्पेस आईआर सेंसर ले लेंगे एंड रिमोट ले लेंगे। ये हमने सेंसर ले लिया है। अब हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे बल्ब, एसी बल्ब। ये एसी बल्ब है। के बाद एसी बल्ब को यूज करने के लिए हम लोग रिले का यूज करेंगे। रिले का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि आर्डिनो हमारा 5 वोल्ट होता है, एसी हमारी जो घर में सप्लाई आती है 220 वोल्ट, उससे ऑपरेट होता है। तो आर्डिनो और बल्ब के बीच में ऑपरेट रिले से होगा। अब हम रिले लेते हैं। ये हमारा रिले है। रिले स्विच का काम करता है। जैसे हम लोग मैनुअली स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, ये ऑटोमेटिक होगा, ये मैनुअल स्विच नहीं है। ये विदाउट कंट्रोलर ये ऑपरेट नहीं होगा, ये स्विच, इसे रिले कहते हैं। ये एसी सप्लाई को आर्डिनो, आर्डिनो सिग्नल रिले को देगा, रिले सिग्नल बल्ब को देगा। अब यहाँ सप्लाई ले लेते हैं। हमने सप्लाई ले लिया, सप्लाई को यहाँ हमने पुट कर दिया। अब हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें 3 पिन है, आउट पिन, जीएनडी पिन एंड पावर पिन। पावर को आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया और इसका कलर चेंज करते हैं। जीएनडी को आर्डिनो के जीएनडी से कनेक्ट कर देंगे। हमने जीएनडी से कनेक्ट कर दिया। आउट पिन हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो की 4 पिन से। जो हम प्रोग्राम में अपने कोड में जो पिन डिफाइन करेंगे उस पिन पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। हमने येलो कर दिया। अब हम लोग आईआर सेंसर हमने आर्डिनो से कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग रिले का कनेक्शन करेंगे। रिले में देखिए टर्मिनल, यहाँ देखिए कई टर्मिनल है। टर्मिनल 1, इधर एक टर्मिनल 5 है और ये टर्मिनल 5, टर्मिनल 6, टर्मिनल 7, टर्मिनल 8 एंड टर्मिनल 12। अब हम लोग कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम लोग टर्मिनल 5 का कनेक्शन करेंगे। टर्मिनल 5 हमारी जीएनडी से कनेक्ट होगा। आर्डिनो की जीएनडी से हम कनेक्ट कर देते हैं। हमने जीएनडी से कनेक्ट कर दिया टर्मिनल 5 पे। इसको भी ब्लैक कर देते हैं। अब हम लोग कनेक्ट करेंगे टर्मिनल 6 पिन। टर्मिनल 6 पिन जो कि बल्ब से कनेक्ट होगी। बल्ब में देखिए 2 टर्मिनल है। यहाँ पे जाइए, देखिए 1 टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। किसी भी टर्मिनल में रिले की भी पिन कनेक्ट कर सकते हैं पावर की। आगे ये हम रिले की पावर पिन 5 पिन हमने कनेक्ट कर दिया है, तो इसको पावर बना देते हैं क्योंकि सप्लाई से हम लोग रिले को पावर पिन देंगे। पावर पिन मतलब फेस पिन हम लोग देंगे। फेस हम यहाँ ले गए, रिले की 12 पिन से कनेक्ट कर देंगे। सप्लाई का फेस हम लोग रिले की 12 पिन से कनेक्ट कर देंगे और रिले सप्लाई को, रिले सप्लाई को पास करेगा बल्ब तक और इसका नेगेटिव पिन हम लोग बल्ब से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। एसी सप्लाई में आप लोग देखते हैं न्यूट्रल और फेस होता है, इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते हैं। रिले हमारा क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पावर को शॉर्ट करेगा। जब ये शॉर्ट हो जाएगी, जब हम ऑन करेंगे तो अंदर से मैनुअली शॉर्ट हो जाएगी और सप्लाई बल्ब में पास हो जाएगी।
जब हम लोग ऑफ कर देंगे तो सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगी, और ये नेगेटिव पिन ऑलरेडी हमारा कनेक्ट है, जब सप्लाई पास होगी तो बल्ब ऑन हो जाएगा, सप्लाई कटेगी तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। अब हम लोग आर्डिनो से कनेक्ट कर देते हैं। 8 पिन हम लोग आर्डिनो की टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, आर्डिनो की टर्मिनल 7 पिन से कनेक्ट कर देते हैं। हमने 7 पिन से कनेक्ट कर दिया। आर्डिनो की किसी भी पिन आप यूज कर सकते हैं। अब ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग कोड सेक्शन में चलते हैं और इसका कोड देखते हैं। कोड हमारा रिमोट कंट्रोल का था। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी डिफाइन कर दी, फिर हमने देखिए यहाँ पर पिन डिफाइन की, जो भी पिन हम लगाएंगे यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, और एस वर्ड हमने इनिशलाइज कर लिया है। फिर आई आर रिसीव टू रिसीव पिन, फिर रिजल्ट को हम डिकोड करेंगे। फिर वॉइड सेटअप में हम लोग सीरियल डॉट बिगिन, ये हमारी बर्थ रेट है, फिर हम लोग ने प्रिंट करा दिया सीरियल मॉनिटर पर। बल्ब हमने कनेक्ट किया है 7 पिन पे, और इफ रिसीवर की रिजल्ट, रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, डिकोड करेंगे हेक्स फाइल में और सीरियल प्रिंट पे वैल्यू प्रिंट कर देंगे। कंडीशन हम लोग देखेंगे तो बटन की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से हम लोग कंडीशन दे देंगे। ये कोड है हमारा। इस कोड की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने कोड पे क्लिक किया, ब्लॉक्स में गए, टेक्स्ट पे क्लिक किया, कंटिन्यू, और यहाँ कोड को पेस्ट कर दिया। कोड को पेस्ट करने के बाद हमने स्टार्ट सिमुलेट किया। स्टार्ट सिमुलेट करने के बाद सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे, पे क्लिक करिए। अब हम लोग यहाँ से रिमोट की वैल्यू सबसे पहले टेस्ट करेंगे कि देखिए 5 दबाने पे क्या वैल्यू आ रही है, 4 दबाने में, 9 दबाने में, 2। अब जिस पिन से हमें बल्ब को ऑपरेट करता है वो इफ कंडीशन में दे देंगे। अगर हम 1 से ऑपरेट करना चाहते हैं तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही, 2295। 2 से ऑफ करना चाहते हैं तो कितनी है, -30601। अब हम लोग स्टॉप करेंगे और यहाँ पे इफ कंडीशन पे ये वैल्यू हमने रख दी है, इफ कंडीशन 2295, और सेकंड कंडीशन हमने रखी है 30601। इसी तरीके से और भी बल्ब आप कनेक्ट कर सकते हैं रिमोट की यहाँ से वैल्यू सीरियल मॉनिटर में देख के, इफ कंडीशन इसको और बना सकते हैं। हम लोग स्टार्ट सिमुलेट करते हैं। जब हम लोग फर्स्ट बटन दबाएंगे, 1 दबाएंगे तो बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, सेकेंड दबाएंगे तो बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग हर पिन पे लोड कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे 4 पे भी आप बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं, 5 पे भी, जैसे अपने रूम में 5 पे बल्ब कनेक्ट कर दिया, 6 पे फैन कनेक्ट कर दिया, इसी तरीके से सारे लोड आप कनेक्ट कर सकते हैं, और सीरियल मॉनिटर वैल्यू देख के, इफ कंडीशन देख के। ठीक है, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग बनाएंगे आर्डिनो इंटरफेस विद वाइब्रेशन मोटर। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।